मैं दो रिवायात यहाँ पेश करना चाह रहा हूँ आप तमाम के तमाम की तवज्जो के लिए। ये क्यों इतनी अजमत है जनाब सैयदा की? एक रिवायत है तफसीर फुरात कूफ़ी में हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा कोई भाई ये ताज्जुब ना करे कि भाई ये एक सूरह के इतने इतने मानी कैसे हो सकते हैं, कोई ये ताज्जुब ना करे, मेरे शिया सुन्नी भाई कोई भी ये ताज्जुब ना करे। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिल कुरान ज़हरुन व बतनुन, कुरान का एक जाहिर है और एक बातिन है, और वो जो बातिन है उसका एक और बातिन है, और उस बातिन के बातिन का एक और बातिन है, यहाँ तक कि जाहिर एक है और बातिन 70 हैं। का दुनिया मेहनत करती है तो एक जाहिर पे पहुंचती है, हम आले मोहम्मद के पास जाहिर के साथ साथ 70 के 70 बातिन हैं, हमारे पास सारे बातें हैं। तो अज़ान करामी कभी ताज्जुब ना करें कि भाई अगर इस आयत का ये मानना है तो ये कैसे हो सकता है, उसकी गहराइयों को आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बयान किया। सुनना चाह रहे हैं हज़रात? तो वो छठे इमाम की जो रिवायत में पेश करना चाह रहा हूँ सूरह कद्र से मुतालिक, मैंने कहा था सिर्फ बीबी की शान में जो आयात हैं, आले मोहम्मद की तफसीर को पेश कर रहा, दुनिया मुफस्सिर बनी है आले मोहम्मद की तफसीर को पढ़ के। मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जो उस्ताद हैं तमाम के तमाम फुकहा के इस्लाम में, जो भी आज शिया सुन्नी जितने भी आइम्मा हैं वो सब के सब सादिक आले मोहम्मद के शागिर्द हैं, कुछ डायरेक्ट शागिर्द हैं कुछ शागिर्दों के शागिर्द हैं। इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा दोनों इमाम के मुस्तकीमन शागिर्द हैं, छठे इमाम के डायरेक्ट शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफा 2 साल पढ़े हैं सादिक आले मोहम्मद के पास, इमाम मालिक 7 साल पढ़े, और इमाम शाफ़ी इमाम मालिक के शागिर्द हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल इमाम शाफ़ी के शागिर्द हैं। तो आज जितना भी इस्लाम चल रहा है जो सारे उलूम हैं वो आले मोहम्मद के सदक़े में चल रहे हैं। तब तफसीर फुरात कूफी से जो रिवायत पेश कर रहा हूँ आप तमाम हजरात की अकीदत और मोहब्बतों की नज़र जहाँ तक ताकत है मैं पेश कर रहा हूँ, और जहाँ तक आवाज़ जा रही है सब हजरात उसको गौर से सुनेंगे। तो अब इमाम फरमाते हैं इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सूरह क़द्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया, तुम्हें क्या मालूम शब क़द्र क्या? अब अल्लाह सुब्हान व तआला कहता है एक रात, ये शब कदर जो है ना ये एक रात 1000 महीनों से अफजल है, खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात 1000 रातों से नहीं 1000 महीनों से अफजल है, जो 80-83 साल से ज्यादा बनते हैं 1000 महीने। ऐज़ान गिरामी अब छठे इमाम से पूछा का के मौला ये लैलतुल कदर की इतनी फजीलत है, क्यों इतनी फजीलत है, ये लैलतुल कदर क्या है? तो इमाम ने तफसीर फुरात कूफी में फरमाया का अल्लैला फातिमा, ये जो शब कदर है ये मेरी दादी फातिमतु ज़हरा है, मन अरफहा हक्का मारिफतहा फकद अदरका लैलतुल क़द्र, जिसने भी मेरी दादी जहरा की जैसे मारिफत हासिल करने का हक है मारिफत हासिल कर ली तो उसने लैलतुल क़द्र को दर्क कर लिया, उसने लैलतुल क़द्र को समझ लिया। मजमे की तवज्जो हो, सारे मजमे की तवज्जो हो, मौला ये आपने फरमाया जिसने भी जनाबे सैयदा की मारिफत हासिल की उसने लैलतुल क़द्र को समझ लिया, क्यों जनाबे सैयदा की इतनी क्यों मारिफत जरूरी है, क्यों उनका इतना मकाम है? भाई लैलतुल क़द्र की फजीलत ये है कि उसमें कुरान नाजिल हुआ, लैलतुल क़द्र की फजीलत यह है कि उसमें कुरान नाजिल हुआ। कुरान क्या है जिसके मुतालिक अमीरुल मोमिनीन ने कहा यह जो कुरान है यह कुरान सामित है, जिस रात में एक कुरान सामित नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से अफजल है, सारे मजमे की तवज्जो हो, जिस रात में एक कुरान सामित नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से अफजल, जिस बीबी की आगोश से 11 कुरान नातिक मिले, जिस बीबी की आगोश से 11 कुरान नातिक आए हो वो दुनिया कैसे समझ सकती है जनाब सैयदा कौन है।